आप है गुरु नितेश के साथ और आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 7 का एक्सरसाइज 6.1 द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ द फॉलोइंग। एक कहता है इन ट्रायंगल एबीसी बीई इज मीडियन। ट्रायंगल एबीसी में बीई जो है वह मीडियन है, तो एक ट्रायंगल हम लोग खींच लेते हैं ए बी सी। इसमें बी ई मेडियन है तो ई जो होगा ए सी का मिड पॉइंट होगा, तो बी से हम ई को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, बी ई इज मेडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू एंड पी आर आर एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल। अब जब दूसरा सॉल्व करें तो हम लोग ट्रायंगल खींचते हैं, ट्रायंगल है पी क्यू आर। अब कहता है पी क्यू एंड पी आर आर एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। तो जब हम इस तरह से ट्रायंगल खींचते हैं तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री अगर आता तो ये पी क्यू और क्यू आर एल्टीट्यूड हो जाता। तो इसका मतलब क्या है कि यह ट्रायंगल नहीं होगा, यह जो ट्रायंगल होगा यह एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। राइट एंगल ट्रायंगल होगा मतलब यह कोण 90 डिग्री के बराबर होगा और ये पी क्यू आर होगा। अब ये इसका एल्टीट्यूड पी क्यू भी होगा और इसका एल्टीट्यूड क्यू भी आर भी होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। एल्टीट्यूड हमेशा बेस के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसमें देखिए पी क्यू के लिए क्यू आर बेस हो गया तो ये 90 डिग्री का कोण है, और पी क्यू के लिए क्यू आर के लिए पी क्यू बेस हो गया तो ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये एल्टीट्यूड हो गया दोनों। इसका सी पार्ट कहता है कि इट ट्रायंगल एक्स वाई जेड वाई एल इज एन एल्टीट्यूड इन एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। अब इसमें क्या कहता है, अभी तक जितना भी देखे एल्टीट्यूड जो है अंदर आया, अब एक्सटीरियर आने के लिए ट्रायंगल को आप जब भी ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तो एक ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, तो ट्रायंगल ड्रॉ किए तो ये क्या हो गया, ट्रायंगल जो हुआ ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो गया, क्योंकि यह जो एंगल है यह 90 डिग्री से बड़ा है। और जब भी किसी भी ट्रायंगल का अगर एल्टीट्यूड बाहर होगा तो वह हमेशा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल ही होगा, और इसका एल्टीट्यूड यहाँ गिरेगा। तो अगर ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम दिया हुआ है एक्स वाई जेड वाई एल, एल्टीट्यूड बाहर है वाई एक्स वाई जेड और ये वाई एल हो गया जो कि बाहर में है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब स्केलन ट्रायंगल, स्केलन कर रहा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जैसे कि ये है एक्यूट एंगल ट्रायंगल आप खींचिएगा तो उसका एल्टीट्यूड अंदर की तरफ होगा और उसमें तीनों साइड्स पे तीनों एल्टीट्यूड आप खींच सकते हैं। जब राइट एंगल ट्रायंगल खींचिएगा तो उसका साइड ही उसका एल्टीट्यूड कहलाएगा, और जब ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल खींचिएगा तो उसका जो एल्टीट्यूड है वह बाहर की तरफ होगा। ठीक है। थैंक यू।